आपको यहाँ पर बता रहे हैं आप कि हानिया का जो संहार है वो आखिर किस तरह से हुआ। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का क्या दावा है कि सिगरेट की तरह ईरान बनाता है जो मिसाइल है, वो सिगरेट की तरह मिसाइल को बनाता है। ईरान के पास मिसाइल स्टोर की जगह नहीं है। हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा गया है, इसीलिए आप देखिए बड़े ही कंट्रोल्ड वे में जो ये अटैक था वो किया गया है। इसमें हानिया और उसका जो ड्राइवर है उसी की मौत होती है। 7 किलो वॉरहेड से ये धमाका किया गया। ईरान के भीतर से ही मिसाइल से हमला हुआ है। हानिया की हत्या के पीछे इजराइल और अमेरिका है ये माना जा रहा है। गेस्ट हाउस में विस्फोटक की थ्योरी खारिज कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले ये थ्योरी सामने आ रही थी कि पहले से ही वो जो विस्फोटक है वो वहाँ पर रख दिया गया था, टाइमर लगाया गया था, जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही बटन दबाया जाता है रिमोट का और धमाका हो जाता है। लेकिन साख बचाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का दावा तो नहीं है। ये भी यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो दरअसल की जा रही है। इस थ्योरी को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस्माइल हानिया की मौत पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक सूत्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत एक विस्फोट की वजह से हुई है। विस्फोटक को घटना से 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा गया था जहां हानिया ठहरने वाला था। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि जब हानिया अपने वीवीआईपी भवन पहुंचा तो रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन वहीं ईरानी सरकार और हमास का कहना है कि हत्या को इजराइल ने अंजाम दिया। हालांकि इजराइल ने ना तो अपना हाथ होने की पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। ईरानी सरकारी मीडिया और हमास ने पहले संकेत दिया था कि हानिया की हत्या इमारत के बाहर से दागे गए रॉकेट से हुई। दावा है कि कातिल ने घटना को अंजाम देने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। उसने पहले हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया और ये पता किया कि किस जगह ज्यादा रुकता है। इसके बाद हानिया को मारने की पूरी प्लानिंग तय की गई थी। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद हानिया की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस हत्या पर IRGC भी सवालों के घेरे में है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इजराइल पिछले 2 महीने से हमास प्रमुख को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। गौरतलब है कि इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में हुई है। ऐसे में ईरानी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ईरान का तो इसमें कोई हाथ नहीं। हानिया और दई दोनों ही शीर्ष नेताओं की मौत के बाद हमास को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान पहुंचा हुआ था। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद हानिया उसी गेस्ट हाउस में आराम करने पहुंचा जहां विस्फोटक लगा हुआ था। हथियारों को जब कंफर्म हो गया कि हानिया अपने कमरे में पहुंच चुका है, उसने रिमोट से विस्फोट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब ईरान और इसराइल की हम बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको हम जरा ये बता देते हैं कि इस जंग में अगर ये जंग होती है और बढ़ती है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दायरा सिर्फ इतना तो रहेगा नहीं, लेकिन चलिए ईरान इसराइल की अगर पहले बात करें तो कौन इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है। 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री किसके पास है? इसराइल के पास है। लेकिन वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो 5.75 लाख एक्टिव मिलिट्री ईरान के पास है। वहीं इसराइल की बात करें तो 601 एयरक्राफ्ट उसके पास है, जबकि ईरान के पास है 541 एयरक्राफ्ट। वहीं अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो 241 फाइटर एयरक्राफ्ट इसराइल के पास है, जबकि 196 फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो इसकी संख्या, मतलब इस मामले में दोनों बराबर ही है। दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर हैं। वहीं टैंक्स की अगर बात करें तो 2200 टैंक्स इजराइल के पास है, जबकि ईरान अगर बात करें इस मामले में तो वो हावी नजर आता है इजराइल पर। उसके पास 4071 टैंक्स है। बख्तरबंद वाहनों की संख्या की अगर बात करें तो 56290 बख्तरबंद वाहन है इसराइल के पास, जबकि अगर हम इस मामले में ईरान की बात करें तो इसमें हावी नजर आता है वो इसराइल पर, और 69000 के करीब उसके पास यहां पर जो बख्तरबंद वाहन या बाकी और बात करें तो वो है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स की बात करें तो 153 फाइटर जेट्स इसराइल के पास है, जबकि ईरान के पास
94 फाइटर जेट्स है, तो यहाँ इसराइल उस पर हावी नजर आता है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसराइल को किस तरह से बचाएगा जो यूएस का सुरक्षा कवच है। ये हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर जो है वहां पर 4 वॉरशिप तैनात है, इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पोजीशनिंग की जा रही है, ये पोजीशनिंग क्या बता रही है, ये एक्टिविटी क्या बता रही है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। टारगेट पर है लेबनान, गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक, तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन आइए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हानिया की मौत की अगर मैं बात करूं तो उससे ठीक पहले की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। उससे ठीक पहले की तस्वीर जब हानिया नजर आया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो ईरान के नए राष्ट्रपति है उनका वो अपना पदभार जब ग्रहण कर रहे थे, उनका शपथ ग्रहण जब ये हो रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप इस्माइल हानिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखेंगे, कोई चिंता नहीं देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से भी आप ये पता नहीं लगा सकते हैं, बल्कि खुद इस मामले में इस्माइल हानिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ वो उस वक्त नजर आ रहा था। ये वो आखिरी वीडियो है, ये वो आखिरी तस्वीरें हैं। ये बीच में आप देख पा रहे हैं इस्माइल हानिया को हमास चीफ को विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही जैसे ही वापस गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया पहुंचता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो आखिरी तस्वीरें हैं जो नजर आई थी इस्माइल हानिया की। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, कौन कौन इसमें शामिल है। और इसमें जब बात यहाँ पर हो ईरान की, तो देखिए ईरान को रशिया ने सपोर्ट की बात कह दी है, उधर अगर हम इसराइल की बात करें तो अमेरिका तो उसको सपोर्ट कर ही रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में किस तरीके से महायुद्ध का ये खतरा मंडरा रहा है, इसराइल की मदद में खुलकर आ चुका है अमेरिका, तो दायरा जो बढ़ने की मैं बात कर रही हूँ ये एक्टिविटी वो बताती है। जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी है, अमेरिका की ये चेतावनी है कि कोई भी टिकट मिले उसे लेकर लेबनान से निकल जाएं। ये एक चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई अमेरिका द्वारा। लेबनान से लोगों को निकालने के लिए सेना नहीं आएगी, ये भी बता दिया गया है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए जो पहली टिकट आपको मिल रही है आप वहां से निकल लीजिए। कई यूएस एयरलाइंस ने लेबनान की उड़ानें भी रद्द कर दी है। ब्रिटेन की अपने नागरिकों से एक बड़ी अपील है कि नागरिकों से जल्द लेबनान वो छोड़ें, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा गया है। 7 अगस्त तक बेरूत की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। तो ये साफ तौर पर कहा गया है ब्रिटेन द्वारा कि भाई आपको जो पहली टिकट, जो पहली फ्लाइट आपको मिले वहां से आप निकल लीजिए, आपको सेना बचाने के लिए नहीं आएगी या फिर सेना वहां से निकालने के लिए नहीं आएगी, ये साफ तौर पर कह दिया। लेकिन इधर अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या कुछ बयान सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कल मैंने ईरान, लेबनानी हिजबुल्ला और अन्य जो ईरानी समर्थित आतंकवादी हैं उन समूहों से, उस पूरे ग्रुप से जो उत्पन्न खतरे हैं उनके बारे में इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इसराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम भी शामिल है। तो ये पेंटागन से जो भी तमाम जो बातें हुई हैं, जो बैठकें हुई हैं, उसे अब आगे पेंटागन द्वारा भी ये कह दिया गया कि आपको तैयार रहना है। नेटो देशों को भी ये कह दिया है कि तैयार रहें। कुछ घंटों में क्या ये महाविनाश हो जाएगा, ये आशंका जताई जा रही है। हानिया की हत्या का क्या बदला लिया जाएगा, ये यहाँ पर बड़ी बात हो रही है। इसराइल पर बड़े हमलों की आशंका जताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमले हो सकते हैं, ड्रोन की अगर हम बात करें तो शाहिद ड्रोन से हमलों की आशंका है। ये जो ईरानी मीडिया है वो दरअसल ये दावा कर रहा है, सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स बड़े हमले कर सकते हैं, ये बड़े दावे हैं जो ईरानी मीडिया के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कौन कितना
ताकतवर है, ये बात तो आपने देखी, हमने ईरान और इसराइल के बारे में आपको दिखाया। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब दुनिया दो गुटों में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में कौन किसके साथ यहाँ पर खड़ा है। उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि जंग में कौन सी बड़ी शक्ति किसके साथ। एक तरफ इसराइल और एक तरफ ईरान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसराइल के साथ यहाँ पर आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली जो है वो खड़े नजर आते हैं आपको।